ये 7 सूत्रीय नोटिस ज्ञापन के रूप में हमने एसडीएम महोदया को दे दिया है, जिसमें सबसे पहले प्रथम मांग हमारी ये है कि सरकार के शासनादेश के अनुसार प्रत्येक माह के तीसरे बुधवार को किसान दिवस लगाया जाता है, लेकिन कहीं कोई अधिकारी, आज बुधवार है, किसी अधिकारी ने, हर अधिकारी ने अनसुना कर दिया, किसी की कानों पे जू नहीं रहेगी, कोई किसान दिवस नहीं लगाया गया। पूरे जिले में, पूरी तहसील में, यहाँ पे किसी सोसाइटी पे डीएपी नहीं है, डीएपी की भारी किल्लत है, लेखपाल भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं, कहीं भी किसी भी किसान की कोई भी पैमाइश बिना भ्रष्टाचार के या बिना भ्रष्टाचारी लेखपालों के द्वारा नहीं होती है। बहुत सारी समस्याएं हैं, सीओ साहब हैं, 10 से 12 बजे तक जनता से मिलने का समय है, सीओ साहब 10 से 12 बजे तक अपनी वीडियो कॉल कॉन्फ्रेंस में बैठे रहते हैं, जनता से नहीं मिलते हैं। बहुत सारी समस्याएं हैं, पब्लिक बहुत परेशान है, किसान बहुत पूरी तरह से पीड़ित है, कोई अधिकारी बिल्कुल बेलगाम हो चुके हैं, कोई सुनने को तैयार नहीं है। 24 घंटे कल से हमारा 24 घंटे धरना जारी है, कोई भी अधिकारी सही से बात करने के लिए इस धरना स्थल पर नहीं पहुंचा है, जबकि तहसील में ही बैठे हैं, अधिकारियों के आंखों के सामने बैठे हैं, कोई सुनने को तैयार नहीं है। कब तक रहेगा आपका धरना? जब तक समस्याओं का निदान नहीं होगा, भ्रष्टाचारी लेखपालों पर कलम नहीं चलेगी, सरकार का डंडा नहीं चलेगा, और डीएपी पूरे तहसील में नहीं पहुंचेगी, और किसान दिवस लगाने का आश्वासन जब तक हमको नहीं मिलेगा तब तक धरना जारी रहेगा। संबंधित एसडीएम से बात हुई, यहाँ जहाँ बैठे हैं आप, उनसे नोटिस दिया है, उनको पूरी जानकारी है, और अभी तक कोई सुनने को तैयार नहीं है, किसी अधिकारी से कोई बात नहीं हुई है। क्या शुभ नाम है, किस पद पर? मेरा दिनेश कुमार यादव नाम है, भारतीय किसान यूनियन टिकैत से युवा मंडल अध्यक्ष बरेली मंडल से हूँ।